फाइन। सो बेटा ध्यान रहे, जब हमारा पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है बेटा, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर रिजर्व्स बनते हैं, ठीक है। और दो टाइप के रिजर्व होते हैं बेटा, जो आउट ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट में से दो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। एक रिजर्व होता है बेटा हमारा जनरल रिजर्व, और दूसरा रिजर्व होता है बेटा हमारा स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। सो आई विल रिपीट, जब बिजनेस को बेटा प्रॉफिट होता है, तो अगर आप नोटिस करो, हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्या पढ़ा था बेटा, हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल में ये पढ़ा कि सबसे पहले प्रॉफिट आता है फर्म का, जिसके लिए फिर फर्म क्या करती है, सबसे पहले आउटसाइडर्स के एक्सपेंस पे करती है, और आउटसाइडर्स के एक्सपेंस को पे करने के लिए फर्म प्रिपेयर करती है पीएनएल अकाउंट। याद आया कुछ? ठीक है। देन बेटा फर्म किसको पे करती है बेटा, पार्टनर्स को पे करती है, यानी प्रॉफिट किसको पे करती है, पार्टनर्स को पे करती है। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद हो, तो क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर हम जनरल रिजर्व लिखते थे कि नहीं लिखते थे बेटा? डेबिट साइड जनरल रिजर्व मेंशन करते थे कि नहीं बच्चों? ठीक। अब आपको ना यहां पर एक छोटी सी चीज है जिसको बहुत ध्यान से समझना होगा बेटा, ये जो जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व फर्म क्रिएट करता है, ये पार्टनर्स के प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। और अगर सपोज करो ये जनरल रिजर्व पूरे साल में यूटिलाइज नहीं हुआ, यानी पूरे साल में हमने जनरल रिजर्व या फिर स्पेसिफिक रिजर्व को यूज अगर नहीं किया बेटा, तो ये दोनों के दोनों रिजर्व वापस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स। और हमेशा ध्यान रखना कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व, ये दोनों के दोनों रिजर्व्स बेटा हर साल क्रिएट किए जाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सर अगर मान लीजिए इस साल जनरल रिजर्व यूज नहीं हुआ या स्पेसिफिक रिजर्व यूज नहीं हुआ, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर मतलब कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ देंगे। तो बेटा कभी भी ध्यान रखना ऐसा नहीं हो सकता, जब भी फर्म प्रॉफिट अर्न करती है तो हर साल प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करती है, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे स्पेसिफिक रिजर्व हो, अगर वो पूरे साल में कोई भी क्लेम या कोई भी यूज नहीं हुआ, चाहे जनरल रिजर्व चाहे स्पेसिफिक रिजर्व, अगर ये दोनों यूज नहीं हुए बेटा, तो ये दोनों के दोनों रिजर्व फिर बेटा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। पहले बताओ यहां तक सारे बच्चे क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा ध्यान से एक चीज और सुनेंगे बेटा। जनरल रिजर्व तो नेम वाइज हमेशा जनरल रिजर्व ही रहेगा बेटा, लेकिन अब ध्यान से समझना, स्पेसिफिक रिजर्व दो टाइप्स के आपको दिख जाएंगे। स्पेसिफिक रिजर्व दो टाइप के होंगे बेटा, फर्स्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड बेटा सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कई बार ऐसा होगा आपको क्वेश्चन में रिजर्व की जगह फंड मेंशन होगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, फंड एंड रिजर्व बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब ही यही होता है बेटा कि आपने जो रिजर्व क्रिएट किया है, दैट इज मेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेटा इसलिए मेंटेन किया जाता है सो दैट हम वर्कर्स को कॉम्पनसेट कर सकें। मतलब अगर हमारा वर्कर बेटा मतलब ऑफिस टाइम में यानी ड्यूटी टाइम में अगर सपोज करो उसको कोई इंजरी हो जाए, या फिर अगर सपोज करो उसका कुछ इंश्योरेंस का पैसा है, या फिर उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा है, हालांकि प्रोविडेंट फंड नहीं बोलेंगे, मतलब उसके इंजरी हो गई जब वो काम कर रहा है, तो बेटा उस केस में जो बिजनेस होता है उसको वो एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्पेशली स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। सिमिलरली बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी क्रिएट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि
कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज आया, ठीक है, चेंज इन द सेंस अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर डिक्रीज हुई बेटा, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम उसको क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कॉम्पनसेट करेंगे। बात समझे सारे बच्चे? करेक्ट, ठीक है, ठीक है। क्या पहले बताओ सारे बच्चे ये चीज समझे? एक लास्ट चीज और बेटा, जनरल रिजर्व हो चाहे स्पेसिफिक रिजर्व हो, फॉर्म को क्रिएट करना मैंडेटरी होता है, मतलब ये दोनों फॉर्म के लिए ऑब्लिगेशन होती है, इसीलिए ये दोनों के दोनों रिजर्व बैलेंस शीट में किस साइड शो होंगे बेटा जी? बैलेंस शीट में विच साइड? लायबिलिटी साइड। एवरीवन क्लियर? बोलो बेटा जी। बिल्कुल। चलो अब बेटा हमें ना कुछ ट्रीटमेंट समझना है, मेन इस चैप्टर के अंदर यही पॉइंट है जिसको हमें ज्यादा ध्यान लगाना है बेटा। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की, दोनों रिजर्व्स के अंदर बेटा कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हमें समझना होगा। सारे बच्चे बेटा जल्दी से ये हेडिंग नोट करें। देखो होता ये बेटा कि आपको ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसे रहेगा कि आपको WCR की वैल्यू गिवन होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो हमारे मतलब केसेस होते हैं, यानी जो हमें मतलब क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड बेटा हमको क्या करना होता है, चार पांच चीजें हमें समझनी होती है। अब हमें उन चार पांच चीजों को बहुत ध्यान से अच्छे से समझना होगा, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज है बेटा कि वेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, मतलब अब देखो ध्यान से समझना, आपके पास WCR गिवन है बेटा 1,00,000 रुपीज का, मतलब आपने वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए 1,00,000 रुपीज का रिजर्व क्रिएट करके रखा है, ठीक है। अब मान लो बेटा क्वेश्चन में WCR से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो क्या कोई क्लेम हुआ होगा बेटा? नहीं हुआ होगा। और अगर पूरे साल में कोई क्लेम हुआ ही नहीं, तो फिर यही WCR का अमाउंट हम फिर किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। उसका रीजन भी है बेटा, क्योंकि ये रिजर्व हमने पार्टनर्स के मतलब प्रॉफिट में से बनाया था, ये प्रॉफिट से अगर बेटा रिजर्व ना बनाते तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन सिंस हमने ये रिजर्व क्रिएट किया था तो इसीलिए बेटा हमने इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो किया। अब अगर पूरे साल में कोई क्लेम आया ही नहीं, तो फिर हम इस रिजर्व को बेटा वापस किसको दे देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स के प्रॉफिट का पार्ट होता था। बात समझे एवरीवन? एवरीवन ठीक। अब आप एक बात बताओ बेटा, WCR को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिंस WCR इज अ लायबिलिटी, एंड बेटा अगर लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट यानी डिक्रीज हो रही है, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट, ओके। सो बेटा जनरल एंट्री विल बी, केस नंबर वन के केस में जनरल एंट्री विल बी WCR अकाउंट डेबिट टू, लेट से ए और बी दो पार्टनर है, तो टू A's कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, और बेटा ये जो 1,00,000 रुपीज हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड था बेटा, ठीक है, 1,00,000 रुपीज बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटी साइड था, हम उसे क्या करेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? WCR का अपना नहीं, लेजर अकाउंट अकाउंट कुछ नहीं बनना बेटा, सिर्फ जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है इसकी, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन केस नंबर टू बेटा, ठीक है, अब ध्यान से समझना आप लोग जरा, ठीक है। केस नंबर टू के अंदर मेंशन क्या बेटा, व्हेन देयर विल बी नो क्लेम, ऊपर ये इंफॉर्मेशन थी केस नंबर वन में कि आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमने अज्यूम किया कि भाई कोई क्लेम नहीं है, और सेकेंड इंफॉर्मेशन में यानी सेकेंड केस में भी आप देखो तो कोई क्लेम नहीं हुआ है, और बेटा अगर कोई क्लेम नहीं हुआ है तो हम WCR की वैल्यू को क्या करेंगे,
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके किसमें, ओल्ड रेशियो से बेटर हम क्या बोलेंगे कि किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर सारे, परफेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब ध्यान से समझना आप लोगों को, व्हेन क्लेम ऑन WCR इज 70,000। अब देखो हमारे पास WCR यानी हमारे पास रिजर्व 1 लाख का है, जिसमें से कितने रुपीस का क्लेम हो गया 70,000। और हमेशा से एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्लेम होने का मतलब यह है कि आपके लिए क्या इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। बेटा जी अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो, डेबिट या क्रेडिट, नाउ अब इसको मैं ना पहले तो दो पोर्शन में जनरल एंट्री करके दिखाता हूं, फिर कंबाइंड जनरल एंट्री बताता हूं। केस नंबर 3 को सबसे पहले क्लेम की एंट्री करेंगे। तो बेटा क्लेम हमने कहां से किया, WCR से किया। तो WCR अकाउंट डेबिट 70,000 टू WCR क्लेम 70,000। एक बात बताओ बेटा, 1 लाख में से 70,000 क्लेम हो गया, कितना बचा 30,000। और जो 30,000 बच गया उसे क्या करेंगे, जो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर। सो WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। पहले बताओ सारे बच्चे, क्लियर एवरीवन, फाइन। एंड बेटा इसी केस नंबर 3 को अगर हमें कंबाइंड एंट्री करनी होती बेटा, तो फिर हम कैसे करते, WCR अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम, टू WCR क्लेम अकाउंट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। WCR हमारे पास 1 लाख का था बेटा, जिसमें से 70,000 तो क्लेम हो गया और बचा हुआ 30,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या सारे बच्चे क्लियर हुए यहां तक? हाँ बिल्कुल, कंबाइंड एंट्री लिख सकते हो बेटा, ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ इसलिए मतलब ऐसे किया था, ठीक है। अलाया सार्थक अरिहंत सेजल, दोबारा नाम लूंगा नहीं। नेक्स्ट बेटा, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अरे भाई तुम लोग तो नाराज हो जाते हो। नाउ नेक्स्ट, व्हेन क्लेम ऑन WCR इज 1 लाख रुपीज। अब एक बात बताओ, हमारे पास रिजर्व कितना है WCR में और क्लेम भी कितना हो गया, तो क्या पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा? तो बेटा उस केस में सिंपल सी एक जनरल एंट्री हमें करनी होगी, केस नंबर 4 की, दैट WCR अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम अकाउंट, और वो भी कितना अमाउंट, 1 लाख। पहले बताओ सारे बच्चे क्लियर? फाइन। एंड लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसलिए बहुत फोकस करके सुनना, अभी क्लेम कितने का हो गया लेकिन हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, 1 लाख। नाउ द पॉइंट इज बेटा कि हमारे पास रिजर्व में पैसा कम है बट क्लेम ज्यादा हो गया, हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस, लॉस, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, केस नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज बेटा, हमारे पास WCR जो हम मतलब हमारे पास रिजर्व था वो था सिर्फ 1 लाख रुपीज, एंड क्लेम आया है बेटा टू WCR क्लेम, क्लेम आया है 1,20,000 रुपीज का। तो बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस, बाकी बच्चे बताएं, लॉस। एंड बेटा जी ध्यान रखना, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट और क्रेडिट, डेबिट, एंड इन दैट केस लॉस विल बी डिनोटेड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जो हमें लॉस हुआ है बेटा उसको हम किससे डिनोट करेंगे,
रीवैल्यूएशन, क्योंकि जब हमने रीवैल्यूएट किया, रीकैलकुलेट किया, देन वी आइडेंटिफाइड कि WCR का क्लेम ज्यादा है एंड हमारे पास रिजर्व कम बचा है। बात समझे सारे बच्चे? हाँ जी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले बताओ यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? अब एक बात बताओ बेटा, अगर लॉस हुआ है तो एक्चुअल में वो लॉस बियर कौन करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। सो लेट्स से ए और बी दो पार्टनर्स थे बेटा, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो लॉस बियर करना पड़ेगा। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर एवरीवन? ओल्ड रेशियो बेटा, ओल्ड रेशियो, ठीक है। पहले बताओ सारे बच्चों को पांचों केस समझ में आए? भाई सारे बच्चे बता दें। चटा समझ में आया? सोहेल क्लियर है? अलाया, अरियान, सैनी, सेजल, दिया क्लियर? ओके फाइन। अब इसी चीज को बेटा एक बार हम यहां देख भी लेते हैं बेटा, ठीक है? अरे हाँ ठीक है। जैसे बेटा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो बेटा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम WCR को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर मान लो क्लेम ही नहीं गिवन है, अगेन वो जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अगेन WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन क्लेम इज लेस देन रिजर्व, मतलब हमारे पास रिजर्व 1 लाख का पड़ा था बट क्लेम सिर्फ 70,000 का हुआ बेटा, तो उस केस में जितना मतलब रिजर्व है, रिजर्व हमारे पास कितना है बेटा 1 लाख रुपीस का, सो WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्लेम हुआ 70,000 एंड बचा हुआ 30,000 हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? अरे शाबाश। देन बेटा नेक्स्ट केस, व्हेन क्लेम वैल्यू इज इक्वल टू द रिजर्व वैल्यू, मतलब हमारे पास रिजर्व में 1 लाख थे और क्लेम भी पूरा 1 लाख का हो गया, तो हमें और कोई एंट्री करनी नहीं, सीधा WCR अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम 1 लाख रुपीस। एंड लास्ट, अगर आपका क्लेम इज हायर देन द रिजर्व वैल्यू बेटा, देन उनके इन दैट केस WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि हमारे पास रिजर्व 1 लाख का है बट क्लेम 1,20,000 का हुआ बेटा, तो जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीस हमें अपने पास से पे करने पड़ रहे हैं दैट विल बी डिनोटेड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको फर्दर हम पार्टनर्स में उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारे बच्चों को क्लियर आ गई?